हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज निकल चुके हैं हम सब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ECL में दिखाने के लिए। तो आपको बताते हूँ, मैंने कैब की है, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से और सीधे आपको लेके चलता हूँ ECL। आज आपको दिखाने वाले हूँ सारे स्टार्स जो भी खेल रहे हैं एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग मैं देखने जा रहा हूँ वो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में और आज होने वाली है हमारी VIP एंट्री। तो आज जो मैच है 13 सितंबर स्टार्ट हुआ 22 सितंबर तक, इसमें 6 टीम्स है और सभी सेलिब्रिटीज़ खेल रहे हैं। इसमें जो आज का मैच है वो है फाइनल मैच है 22 सितंबर को। आज का मैच है एलविस यादव की टीम जो है हरियाणवी हंटर्स वर्सेस लखनऊ की जो टीम है जिसके जो कैप्टन है वो है अनुराग द्विवेदी, जो कंटेंट क्रिएटर है बहुत बड़े यूट्यूब पे। और जो एलविस यादव की टीम है उसमें रजत दलाल वगैरह बाकी लोग भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, आपको पूरा कवरेज दिखाने वाले हैं और आज हम सभी स्टार्स से भी मिलने वाले हैं VIP एंट्री के थ्रू। तो बने रहे, अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, मेरा फ्रेंड है हेमंत और वो नेहरू प्लेस पर रुका हुआ है, एक होटल है। तो सबसे पहले नेहरू प्लेस जाता हूँ, फिर हम सीधा जाएंगे स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो चलो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो बस पहुंचने ही वाला हूँ गाइस, 6:30 बुलाया था वैसे तो, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, जाम लग रहा था कहीं पर। पहुंचने वाले हूँ 5 मिनट में, उसके बाद चलते हैं सीधा आपको स्टेडियम लेके, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। तो गाइस पहुँचने वाले हैं और मेरा दोस्त भी आ चुका है, हेमंत। हेमंत हाय, कैसे हो? और हमारे साथ भैया भी है, तो सीधे पहुंच रहे हैं। अभी 10 मिनट का रास्ता बचा है, सीधा स्टेडियम में आपको दिखाते हैं सारे प्लेयर्स। गाइस फाइनली पास हो चुके हैं और हमारी हो रही है एंट्री। तो देख सकते हो आ चुका है हेमंत के पास पासेस और ये हमारी एंट्री होती। बड़ा अच्छा सा लग रहा है। उसने बोला है पार्किंग में लगा दो यहाँ पे गेट नंबर 22 पे और गेट नंबर 7 पे मिलना है। अच्छा, पहले 22 पे यहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं और फिर सीधे चलते हैं वहाँ पे। एक से एक स्टार आया है, यूट्यूबर्स सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और हो सकता है कोई बड़े क्रिकेटर भी, जैसे सुरेश रैना फर्स्ट डे पर आए थे। तो गाइस मिल चुका है हमें पूरा VIP पास और हमारे साथ है मेरा दोस्त। तो VIP पास मिल चुका है, एंट्री करने वाले हैं और फुल खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर सब कुछ है। तो बहुत मजा आने वाला है, सारी चीज़ दिखाऊंगा आपको। गाइस हमारी हो चुकी है एंट्री और सामने है टीम, तो सारी चीज़ दिखाऊंगा। टीम जो रो है उधर फ्रेंचाइजी वाले आने वाले हैं, तो हमारी यहाँ पे सारी चीज़ मिलेगी। मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये VIP बॉक्स है। तो गाइस एलवी यादव आ चुका है और रजत दलाल भी होगा यहीं पर, तो आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा, सारी सब दिखाऊंगा, एक एक प्लेयर को बताऊंगा कौन कौन है। तो सामने ही हमारे एलवी भाई जो आपको दिख रहा है ना, वो अलग से टी शर्ट में जिसके नंबर लिखा हुआ है वो एलवी यादव। भाई आपको दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम पे काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर है विराट कोहली का, बिल्कुल जो CM दिखने वाला है, इसका नाम लखनऊ लायंस वर्सेस हरियाणवी हंटर्स, क्या लगता है कौन जीतेगा? रजत दलाल। तो ये है रजत दलाल जो आ चुका है, अभी आ रहा है, इसकी एंट्री हो रही है। रजत दलाल भाई थोड़े हैवी है, 30 नंबर अनुराग द्विवेदी और उससे जो इससे मिल रहा है वो रजत दलाल भाई है। अरे रजत दलाल साइड में अब जो 10th नंबर के पास खड़ा हुआ है और एलवी भाई अपना खेल ही आ रहे हैं, मार रहे हैं जब से, छक्के चौके बजा रहे हैं। लाइट शो देख लो, लाइट शो चल रहा है और सारे प्लेयर आपके सामने हैं। एलवी भाई जो है सामने इधर खेल रहे, एलवी भाई खेले जा रहे हैं जब से, बहुत देर से खेल रहे हैं, बढ़िया खेल रहे हैं एलवी भाई और रजत दलाल। ये देखो हर बॉल पर मार रहे हैं गाइस, आप सही देख सकते हो रजत दलाल बहुत सही खेल रहा है, अपना काले रंग का बैट लेके आया हुआ है और काले रंग के बैट से जो बजा रहा है, जो मार रहा है शॉट, बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट मार रहा है। आगे एलविश भाई, देख सकते हो एलविश भाई गाना भी बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, गाना बहुत अच्छा, सही रैप बनाया हुआ, रैप पूरा ECL के ऊपर
पे प्रमोट किया गया है ईसीएल को। तो आज कौन किसको पानी पिलाएगा? ये पानी वाली बहुत बात जो थी एकदम फन के लिए थी, लोगों ने सीरियस ले लिया और हिसाब बराबर हो गया, आज कुछ और होगा। वही तो कह रही हूँ ना, फन के लिए आज कौन किसको पानी पिलाएगा? आज हम जीत के इसे बियर पिलाएंगे। एल्विश, ओके, इनके पास ना ऑरेंज कैप होल्डर है। एल्विश, कैसे टैकल करने वाले हैं आप? क्या कहेंगे उस ऑरेंज कैप होल्डर को आप? उसकी कैप उतार देनी है आज। जैसे उनसे दूर दूर तक तो कोई है नहीं, पर इनके पास भी एक हुकुम का एक कैप, पर्पल कैप होल्डर, वहाँ आकाश तो यहाँ कशिश। लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा इस शोडाउन। लेट्स गो। तो गाइस टॉस हो चुका है। स्टोन, आपको हंसी आएगी जानने की टॉस कैसे हुआ, वो है स्टोन पेपर सीजर से, और उसमें अनुराग द्विवेदी, अनुराग द्विवेदी है ना, अनुराग द्विवेदी जीत चुका है और एल्विश भाई बॉलिंग कराएंगे, अनुराग ने मांगी बैटिंग। तो बैटिंग देखना आप, मज़ेदार होने वाली है, बढ़िया बिंदास पूरा मैच, एक्साइटेड होने वाला है, सब लोग आ चुके हैं और एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको, सारी चीज़ बढ़िया। तो गाइस ये वन ओवर गेम चल रहा है, इट इज जस्ट ओवर फन, असली मैच 8:30 बजे स्टार्ट होएगा, जिसमें अभी टाइम है। अरे कैप्टन ऑफ हरियाणवी हंटर्स एल्विश यादव, द मैच रेफरी मिस्टर अजय वर्मा। अब बस समय हो चुका है वो आखिरी बार सिक्का उछालने का इस सीजन के लिए। टेज इज द कॉल, हेड्स इट इज। हम तो बैटिंग, हमारा बैटिंग करने का मन है तो हम बैटिंग ही करेंगे। नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं है कि पूरी टीम हमारी एकदम चिल्ड, एकदम बढ़िया माइंड से खेलती है और इसने मेरे को धोखा दिया हुआ आज, इसका हैशटैग धोखेबाज भी चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने दो बार इसको मौके दिए और आज मेरी बारी थी जब मौका लेने की, तो इसने मौका छोड़ दिया। बट इट्स ओके, गेम है, उन्होंने बैटिंग चूज करी है तो वील ट्रायल लेवल हार्ड कि इनको रोक दें कम से कम रनों पर और जीते ये वाला फाइनल भी और ट्रॉफी अपने घर पर लेके जाए। दो बार ऊपर लग चुकी है तो दोनों बार छक्का मारेंगे आप, देखो जब ऊपर लगती है तो सिक्स माना जाता है ऊपर, आप ये अगर ये यहाँ पर लगती है तो दोनों बार ऊपर लगी तो छक्का मारा गया, वरना कैच हो नहीं वाला था बस। तो आप देख सकते हो ये 8वां ओवर चल रहा है। ओहो, किरण रिजिजू सर आए हुए हैं जा रहे हैं, जो कि हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है ना, माइनॉरिटी वाला, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मेरे सब कल्चर है ना, दोस्तों के आसपास मेरी बनाना है। अभी बहुत मजा आ रहा है और गेम के बाद हम सभी इन्फ्लुएंसर से मिलने भी वाले हैं, लखनऊ वालों से और बाकी एलवी चॉइस से मिलेंगे, अभी ग्राउंड में आएंगे, तो बहुत मजा आ रहा है, सारे उनसे कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की, तो हमारे साथ बने रहे, बहुत मजा आने वाला है आगे भी। इन्हें पहले ओवर में 3 छक्के मार दिए अनुराग द्विवेदी की बॉल पर, अनिल भाई ने खूब बजाया हुआ है, बॉलिंग इतनी बेकार कर रहा है। Yeah.
गाय जीत चुकी है हरियाणवी हंटर और अरुण अनुज चौधरी ने बनाए 54 रन, उसने बहुत रन बनाए, आसानी से जीत गए, दो ओवर बचे ही थे, बल्कि वन साइडेड हो गया मैच, वन साइडेड। मैं लखनऊ लायंस को सपोर्ट कर रहा था, मेरी टीम हार गई यार। पर्पल कैप जो है वो दिखाई देती है इनके सर पर, तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी गेंदबाजी खत्म हो चुका है, उसने कर दिया काम आर पार बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको पहले बता दिया कि कुंडू दिखाई दे रहे हैं हरियाणवी हंटर जीत चुके हैं और सेरेमनी में आते हुए आपके लिए और कलेक्ट करते हुए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो एंटरटेनमेंट है। एल्विश बात तो करनी पड़ेगी भाई आपसे, जिस तरीके का सिस्टम घुमाया है, जो माहौल बनाया है और जो कहा था वो करके दिखाया है फाइनल में। तो अब हम चल दिए वापस, बहुत मजा आया देख के सारे प्लेयर्सों को, बहुत पास से देखे देखा हमने जैसे रजत दलाल और एल्विश यादव और हमारी जो अंकल थे उनकी टीम थी लखनऊ लखनऊ लायंस, लेकिन वो रनर्स अप आए और टीम जीती हरियाणवी हंटर्स। तो हमारा हो चुका है मैच ओवर और हम ग्राउंड में नहीं गए कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन अंकल नीचे ही थे बिल्कुल बिल्कुल, अंकल टीम के साथ ही थे लखनऊ लायंस के साथ, अंकल हेमंत के पापा, तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जा नहीं पाए। टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सामने, हाँ तो ये 6 टीम थी इधर दी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 6 टीम थी, है ना, देख रहे ये सामने लगा हुआ ना, और ये हमारे हेमंत है और ये भैया है हमारे ITBP से। तो अब हम वापस जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि लेकिन हो सकता है कल मैं हेमंत के साथ ब्रेकफास्ट करूं टीम के साथ ही, क्योंकि हेमंत बोल रहा है है ना हेमंत, तो टीम के साथ ही ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलेगा लायंस के साथ, कि हो सकता है क्योंकि अंकल लखनऊ की टीम के साथ ही रुके हैं, तो हो सकता है ब्रेकफास्ट उनके साथ करें। तो मैं आपको जो प्लेयर है द्विवेदी, हेमंत क्या नाम है उसका प्लेयर का, द्विवेदी वाले का अनुराग द्विवेदी, तो उससे बिल्कुल मुलाकात करवाऊँ अगर मैं आया, हेमंत तो जाएगा ही जाएगा मेरा पक्का नहीं है, तो अगर मैं गया तो पक्का आपको अनुराग द्विवेदी से मिलवाऊँगा मैंने परसों। और हमारी गाड़ी अभी फंसी हुई है तो देखना पड़ेगा कैसे निकलेगा, और इसके बाद हम खाना खुना खाएंगे, हेमंत अपने फ्लैट जाएगा नोएडा और मैं आप ग्रेटर नोएडा जाऊँगा अपने यहाँ पर अपनी फैमिली के पास। तो चलो गाइस मिलते हैं, थैंक यू हेमू भाई, बोलते भाई बाय।